खाकरा और डोसा, ये आजकल अब जंक फूड में शामिल हो गए। पूरी तरह खूब अच्छी मात्रा में तेल घी डालकर पूरा उसको फ्राई कर दिया गया। ये बेसिकली देखा जाए तो आप एक फ्राइड डोसा खा रहे हैं। एक्चुअल सूखे हुए कम तेल घी वाले तो खाकरे मिलते हैं कम, और सबसे ज्यादा खाकरे कौन से मिल रहे हैं जो तेल घी में अच्छी तरह थोड़े फ्राई कर दिए गए हैं। जो खाकरा एक हेल्दी स्नैक्स था, वो आज एक प्रकार से जंक फूड में शामिल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे हर वीडियो में हम जहां जहां आपके स्वास्थ्य के लिए कोई चीज समस्या पैदा कर रही है ना, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं कोई अति में जाकर बातें करना पसंद नहीं करता। हाँ, ओकेजनली कोई चीज को खाना है, एंजॉय करना तो जरूर करें, लेकिन एक अवेयरनेस आपके अंदर आ जानी चाहिए कि मैं इस चीज का कितना इस्तेमाल करूँ। खाकरा और डोसा, ये आजकल अब जंक फूड में शामिल हो गए जो पहले नहीं थे। दोस्तों, मैं साउथ इंडिया यानी कि बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मेरी 25 साल की उम्र बेंगलोर में ही बीती है, इसलिए मैं बचपन से मैं डोसा खाता रहा हूँ। दोस्तों, पहले डोसा हम लोग जो खाते थे उसमें खाली डोसा, यानी कि ये सब नाम आप साउथ इंडिया में जाओगे तो सुन पाओगे, इसको खाली डोसा कहते हैं, यानी कि जिसमें तेल बिल्कुल नहीं के बराबर, ये समझ लो ऐसे ही ड्राई ड्राई वो जो है पकाया गया है। और सेट डोसा होता है जिसमें भी तेल घी नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह के यहाँ सिंपल प्लेन डोसे होते थे। तो पहले ही जो डोसे होते थे ना, तेल घी इतना ही डाला जाता था कि जिससे वो डोसा नीचे तवे के ऊपर चिपके नहीं, उतना ही बस पर्पज उतना ही था। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अगर आप साउथ इंडिया में जाओ और आप अगर डोसा खाओ, आप देखेंगे कि जैसे पूरी तरह खूब अच्छी मात्रा में तेल घी डालकर पूरा उसको घी रोस्टेड डोसा या उसको अच्छी तरह से प्रॉपर तेल और घी में फ्राई कर दिया गया, यानी कि वो पूरी तरह प्रॉपरली फ्राई हो रहा है, इसलिए वो बड़ा क्रिस्पी, बड़ा अच्छा, थोड़ा चटपटा आपको लगता है, और वो डोसा लोग आजकल पसंद भी करने लग गए हैं। तो इस प्रकार के जो डोसे हैं ना, ये बेसिकली देखा जाए तो आप एक फ्राइड डोसा खा रहे हैं ओरिजिनली, वो कोई सिंपल डोसा नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए वो जंक फूड के अंदर आ गया। जंक फूड हम किसको कहते हैं, ये तले हुए, ये नमकीन, ये मिठाइयाँ, या ये प्रोसेस फूड, बहुत हाईली हीटेड फूड, ये सब जो होते हैं। तो इसीलिए हम उसको नुकसानदायक कहते हैं ना, तो डोसा भी इस तरह का जो है ना अब नुकसान करने लग गया है। लेकिन अगर आपको कभी डोसा खाना पड़े तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि सिंपल डोसा खाएं जिसमें कम तेल घी ऑयल यूज़ किया गया हो। मैं यहाँ पे डोसे के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग डोसा खाते हैं और उनको घी मक्खन खाने का शौक ही है, तो वो ऊपर से अगर घी मक्खन लेते हैं तो शायद वो उतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि घी मक्खन को पकाया नहीं गया। तो इस तरह के भी कई डोसे जो है साउथ इंडिया में परोसे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर डोसे खाने पड़े तो उसको फ्राई करने के बजाय आपने ऊपर से घी मक्खन लिया तो थोड़ा वो कम नुकसान करेगा, मैं यूँ कह सकता हूँ। अच्छा, अब रहा खाकरा। दोस्तों, खाकरा जो था ना, ये सबसे बेहतरीन सिंपल सा स्नैक है, यूँ कह सकता हूँ, जो कि कभी कभार भूख लगने पर, या कई लोग जैसे चाय के साथ लेते हैं तो वो, या कई बार अचानक भूख लग गई और आपको कुछ खाना भी होता है, उस कंडीशन में खाकरा आपके लिए बहुत अच्छा एक हेल्दी स्नैक के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा बोल सकता हूँ। और अभी भी कई घरों में खाकरा बाहर से नहीं लाया जाता, घर में जो रोटियाँ बच जाती हैं या रोटियाँ बना भी लेते हैं और उसको तवे पे धीरे धीरे सेक कर होल व्हीट आटे की रोटी, उसका खाकरा बनाया जाता है। धीमे धीमे कपड़ा रखकर उसको 4-5 मिनट 10 मिनट तक थोड़ा ब्राउनिश होने तक उसको सेकते हैं और फिर उनको रख देते हैं, तो वो 15 दिन महीना भर भी चल जाता है।
इस तरह के जो खाकरे होते हैं ना, ये पूरी तरह सिकने के कारण इनको आपको अच्छी तरह चबाना पड़ता है, और चबाए बिना तो आप इसको निगल भी नहीं सकते। तो इसीलिए खाकरा जितना अच्छा चबाया जाता है ना, उतना अच्छा सुपाच्य हो जाता है। आप एक बात अनुभव करेंगे कि जब हम खाकरा खाते हैं तो और वो सिंपल खाकरा बना हुआ है ना, तो आप देखेंगे कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि आप कितना भी खाए जा रहे हैं, आपको पेट पे भारी नहीं लगता। और वही खाकरा बनने से पहले जो उसकी रोटी होती है, अगर आप रोटी 3-4 खा लो, आपका पेट भारी हो जाएगा और आपको 6-7 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। तो आप ज़रा सोचिए कि एक सामान्य 2 मिनट वाली रोटी और खाकरे में कितना बड़ा फर्क है। इसलिए खाकरा मैं रोटी से थोड़ा बेहतर मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हो गई, अब चूंकि कॉमर्शियलाइजेशन बहुत हो गया, अब क्या होने लगा, मशीनों में बनने लग गए, इसके मौन में बहुत सारा तेल घी डाला जाता है। और अधिकतर जगहों पे मैंने देखा कि तेल घी डालकर उसको एक प्रकार से ऑयल या फैट से उसको रोस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस चीज़ को तेल घी से हम फ्राई कर देते हैं, वो हीटेड फैट जाकर हमारे बॉडी में बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब खाकरे जो आ गए हैं ना बाज़ार में, अधिकतर आजकल जो मुंबई से लेकर गुजरात से लेकर कई जगहों पे जो आजकल मिलने लग गए हैं, उसमें एक्चुअल सूखे हुए कम तेल घी वाले तो खाकरे मिलते हैं कम। और सबसे ज़्यादा खाकरे कौन से मिल रहे हैं, जो तेल घी में अच्छी तरह थोड़े फ्राई कर दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, जो खाकरा एक हेल्दी स्नैक्स था, वो आज एक प्रकार से जंक फूड में शामिल हो गया है। तो आज ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या मालूम है, अगर आपको खाकरा खाना है तो घर में उसको सिंपल सा रोस्ट करके बनाएं, और ऊपर से चाहे तो आपको जो भी लगाना है आप लगा लें। वैसे तो जो लोग वीगन लोग हैं, वो लोग पीनट बटर, आमंड बटर, कैश्यूनट बटर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं जानता हूँ कि सब लोग वीगन नहीं है। तो फिर ऊपर से आप घी मक्खन खाते हैं तो वो कम से कम हीट नहीं हुआ तो नुकसान थोड़ा कम करेगा। और डोसा खाते हैं तो डोसे में भी इसी तरह ऊपर से घी मक्खन आपने ले लिया, लेकिन मैं उसकी राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो वीगनिज्म के पक्ष में हूँ भाई। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे एक प्रकार से आपको कॉम्प्रोमाइजिंग कोई तरीका बताना होता है, उस कंडीशन में डोसे को भी बनाते हैं तो कम से कम तेल या घी डालें ताकि वो चिपके नहीं, और ऊपर से फिर आपको थोड़ा घी मक्खन खाना है तो खा लें, वरना नहीं तो सिंपल प्लेन डोसा खाने की कोशिश करें। तो डोसे का जो रियल बेनिफिट है, यानी कि जो साउथ इंडिया वाले एक ज़माने में इसका मज़ा लेते थे, वो मज़ा आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इन चीज़ों का हम कैसे इस्तेमाल करें। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह का एक नया विषय लेकर।